दांत ये दांत तो बता दो पहले दुआ कर दिया गर्मी के मजे ये स्टीम ले सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल सर प्रिंस मैक्स एंड ब्लॉग फ्योरी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक नया दिन के साथ एक नई शुरुआत के साथ आ गया हूँ। वैसे बाय द वे आज रात हो रही है अभी फिलहाल, तो ये पूरा दिन खत्म हो चुका है क्योंकि आज दिन था कर्फ्यू का, आज सैटरडे का दिन था। तो भाई पूरे दिन करने के लिए कुछ भी नहीं था, पूरे दिन करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि सैटरडे के दिन बारिश हो रही थी। सबसे पहली बात बारिश हो रही थी, तो जैसे हमारा दिन शुरू होता है नॉर्मली हमारा दिन वैसे शुरू हुआ। हमने चाय पी, चाय पीने के बाद हम थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बैठे बैठे टाइम हो गया एक फिर उसके बाद एक क्लिप देख लो बच्चे लको में सबकी मम्मी ने काफी अच्छी मैगी बनाई है ना। मम्मी अच्छी मैगी बनाई है ना आपने? हाँ क्या, हम अच्छी बनाते हैं। सो मैगी खाने के बाद जब हम लोग डन हुए, एक सेकेंड मैंने कान में जाकर लगा कर आवाज आई। जब हम मैगी खाने के बाद डन हुए तो उसके बाद फिर हम लोगों ने भाई आराम किया, जैसे कि मैं करता हूँ वैसी बात है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो चुका था मैं वैसे भी मैगी वैगी खाने के बाद। तो फिर मैंने जब लंच किया तो भाई लंच में मम्मी ने बना दिया ये भी क्लिप देख लो। मम्मी ने धुआं धुआं कर दिया गर्मी के मजे ले ये स्टीम ले स्टीम मम्मी स्टीम ले रही है और किस चीज़ से कुकर से स्टीम ले रही है। दही चावल और बाहर के ठंडा में गर्म पानी, देखियो कितने मजे से स्टीम ले रहे हैं। देखियो मम्मी इससे स्टीम मतलब आराम से ले लेना बाद में ऐसे मक्खन डाल दे ऊपर से चावल के अंदर और अब घी डालनी है मक्खन में। मम्मी मक्खन का घी अजीब से नहीं लगेगा क्या ये? देख ना अब घी और वो मक्खन चावल, ये चावल है अभी दिखाते हैं सही से। ये मक्खन नहीं था, ये पनीर था, पनीर देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट बता, टेस्ट बता, नमक नमक कम है, नमक कम है, सही है सही है। मिर्च की नहीं रखी है बाबा, ये बिना मिर्च के अच्छी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद जब हमने ये सब कर लिया जो भी हमें करना था, अद्दू के साथ हम खेल लेते बहुत दिन, मतलब यार अदीरा आई हुई है तो भाई वो संडे को चली जाएगी। बाय द वे कल का जो ये व्लॉग डलेगा इसके बाद मेरी बहन का बर्थडे है 23 का, तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे उसको भी। कैसी लगी तुम्हारे को तुम्हारी वीडियो? वीडियो बताओ अपनी, तुम्हारी वीडियो बताओ, वीडियो बताओ तुम्हारी, चलो मेरा एयरपोर्ट शेयर दे दो। कान में तुम्हारे लगेंगे नहीं, क्या फायदा? होता है हो जाएगा। अदीरा के साथ तो मज़ा आता ही है मेरे को हमेशा, ऑब्वियस ही बात है। तो अदीरा को भी जानते नहीं हो क्योंकि मैं ना अभी लेटेस्ट ब्लॉग कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले थैंक यू कि तो 300 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, तुम लोग 300 सब्सक्राइबर करवाने वाले हो। तो उसके बाद फिर मम्मी ने बनाई, भाई बारिश हो रही थी, शाम हो गई थी, तो समझ जाओ कि किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। वो जो मेरी फेवरेट चीज़ है, मेरी फेवरेट चीज़ है चाय। तो भाई हमने चाय पी क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मानते जी चाय पी, पकोड़े खाए, वीडियोस पढ़ी हैं, आगे वीडियोस देखो। एंड देन उसके बाद फिर हम अद्दू के साथ खेल लेते। अद्दू हमें खेल के दिखा रही थी जंगल बुक में, जैसे वो मोगली करता है ऐसे करके दिखा रही थी, पता नहीं ऐसे ऐसे क्या, वो भी क्लिप देखो। पकोड़े आ चुके हैं, मम्मी ने पकोड़े बनाए बेचारी मम्मी, अरे चिप्स भी हो सॉरी मम्मी चिप्स भी है, और अदीरा भी आ चुकी है ना। अदीरा कहाँ जा रही हो? खाते हैं मस्त चाय पीते हैं और चिप्स। आ जाओ मम्मी, मोगले का डांस कर दियो तुम। कौन सा डांस है ये? डांस तो बता दो पहले, डांस बताओ, डांस बताओ, अरे बहन नाम तो बताओ इसका, डांस का किसका डांस है ये, किसका है बताओ जल्दी। मुझे नहीं पता। जंगल बुक में कौन करता है डांस ऐसे? मोगली। कौन करता है? जल्दी बोल। काट दूंगा वीडियो, वीडियो डाल दूंगा मैं, वीडियो डालो।
जल्दी बताओ। बस अब तुम आप ही तो खाते हो। मैं होप करता हूँ मैंने जितनी बातें बताई तुम लोगों को समझ में आई होगी, तुम लोगों से कुछ ना कुछ मतलब हंसी मजाक कुछ ना कुछ करोगे या फिर गुस्सा करो जो मर्जी करो। देखो यार मैं ना क्लिप्स छोड़ना नहीं चाहता, मतलब मैं ब्लॉग छोड़ना नहीं चाहता, अगर एक भी दिन का ब्लॉग स्किप होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चैनल को। सो दैट्स वाई जो मिलता है कंटेंट जैसा होता है तुम लोग थोड़ा अभी कर लो, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है इस वजह से समझ सकते हो तुम लोग। बाय द वे होप से तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो। देखो ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि सैटरडे संडे देखो लॉकडाउन है, कुछ करने के लिए है नहीं बाय द वे, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम लोगों के लिए। तो वही और मैंने टोपा इसलिए लगा रखा क्योंकि भाई बालों में ना मम्मी ने तेल लगा दिया है, तबीयत ख़राब है ना तो बालों में मम्मी ने तेल लगा दिया, इसलिए मैंने टोपा लगा रखा है। तो बस ब्लॉग बस इतना ही था, इतनी ही क्लिप बनी थी, ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई मैंने क्योंकि मैं बीमार हूँ और घर में था और बाहर गया नहीं। बाहर मैं शाम को जाने वाला था दवाई लेने जाने वाला था, बाहर दवाई लेने भी नहीं गया और बाहर भी नहीं क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी क्योंकि सैटरडे का दिन बारिश में चला गया। तो देखते हैं अब संडे का दिन कैसे जाएगा। बाय द वे मिलते हैं तुम्हारे से किसी अच्छे दिन के साथ, किसी अच्छी शुरुआत के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसी अच्छी लगी, क्या चीज़ बेकार लगी, क्या चीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अदर वीडियो, अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते किसी अच्छे दिन के साथ, अच्छी शुरुआत के साथ।